तो यार एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ बताता हूँ जो कि इस वीडियो के एंड में समझ आएगी। अब इमेजिन करो आपका एक एग्जाम है और एग्जाम भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट का है, तो आप फुल एक्साइटेड हो। हाँ, ऐसा होता नहीं है, पर इमेजिन करो कि तुम फुल एक्साइटेड हो एग्जाम देने के लिए और फुल पावर तैयारी करके एग्जाम देने जाते हो, और सरप्राइजिंगली एग्जाम हो भी बहुत अच्छा जाता है, तुम्हें सारे क्वेश्चन आते थे। पर उस शाम जब तुम लौट के घर वापस आते हो तो पता चलता है कि एग्जाम जिस इंक से लिखा है वो इनविजिबल इंक थी। अभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसका कंटेक्स्ट वीडियो के एंड में समझ में आएगा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिस मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। थैंक यू क्यूरामेन फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। इनका डायनामो पार कैप्सूल आपको देता है स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड वाइटालिटी, जिससे आप डे टू डे के लाइफ के टास्क भी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली से पूरे कर सकते हो। ये डायनामो पार कैप्सूल है कंप्लीटली आयुर्वेदिक, सो चेक करें डायनामो पार कैप्सूल बाय क्यूरामेन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कैरी ऑन विद टुडेज वीडियो। ये हूं मैं शिलांग के बहुत ही फेमस पुलिस बाजार में, और ये भी हूं मैं कोई बहुत ही फेमस सी केव के सामने, और हाँ ये स्लो मोशन में एक ब्रिज पर वॉक करता हुआ भी मैं ही हूँ। बाय द वे इस बहुत ही फेमस ब्रिज का नाम है लिविंग रूट ब्रिज, बट ऐसी जगह मेरे को ज्यादा एक्साइट नहीं करती हैं, बताता हूँ क्यों। तो जी बचपन में एनसीईआरटी की किताबों में मैंने मेघालय के बारे में पढ़ा था कि कैसे इस जगह पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और कैसे यहाँ पर लोग एक्चुअली रेज्ड बैम्बू हाउसेज में रहते हैं, कुछ इस तरह से। पर मैं यहाँ जब मेघालय की कैपिटल शिलोंग आया तो यहाँ तो कोई ऐसी हट देखने को ही नहीं मिली, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। आई मीन ऑब्वियसली भाई शिलोंग एक प्रॉपर शहर है और ऐसे ट्रेडिशनल हाउसेज, ट्रेडिशनल हट्स हमें मेघालय के इंटीरियर विलेजेस में देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में मेरा गोल है कि मैं एक्चुअली ऐसे ही एक गांव के बारे में पता करूं, वहां पर विजिट करूं, उनकी ट्रेडिशनल हट्स के अंदर जाऊं, वो डॉक्यूमेंट करूं, वो तौर तरीके देखूं, क्योंकि यार मेरे हिसाब से मैंने प्रिटी वाटरफॉल और सुंदर लैंडस्केप पहले भी देखे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शिलोंग के अच्छे नहीं है, भाई बहुत ही कमाल के वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट हैं, बट मेरे लिए यहाँ जो ट्रेडिशन है वो बहुत यूनिक है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सो इसलिए फिर मैंने अपना बैग उठाया, छाता उठाया, बस ली, फिर एक और बड़ी बस ली और निकल गया शिलोंग से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक ऐसे विलेज की खोज में जहां मेरे को ट्रू कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिले। पर यार इन सब में एक प्रॉब्लम और है, पहली बात तो मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मतलब हर बार मैं वैसे बोलता हूँ कि यार प्लान नहीं है, पर कुछ ना कुछ बैकअप हमेशा होता है, इस बार कुछ भी नहीं है। मेरे को नहीं पता कि मैं जब वहाँ पहुँच पहले तो कैसे पहुँचूंगा, क्योंकि यहाँ से बस मेरे को जहाँ ड्रॉप करेगी वहाँ से अगेन मेरे को 30-40 किलोमीटर्स आगे जाना है। देन पहुँच के क्या वो लोग मेरी लैंग्वेज समझ पाएंगे, क्या मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा, पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद ऊपर से ये सच बोलूँगा, आज पहली बार लाइफ में थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी घबराहट है, बट एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक कर दो और बस लाइक कर दो आगे चलते हैं, बस मेरी बस अगले 5 मिनट में निकलेगी, एंड लेट दिस एडवेंचर बिगिन। अब बस मेरे को सुबह के 3:30 बजे तूरा के बस स्टॉप पे उतार देती है, और भाई मैं किसी को जानता नहीं, मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है, ना मैं होटल अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखो ये बजट ट्रिप है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं टैक्सी कर लूँगा, मैं होटल में स्टे कर लूँगा, नहीं, मैं बहुत ही शूस्ट्रिंग बजट पे हूँ। मैंने ये जो बस की टिकट ली थी कुछ 500 या 600 रुपये की थी, मेरे को याद नहीं है बस, और मेरे को था कि चलो ओवरनाइट जर्नी है तो बढ़िया, क्योंकि मेरे होटल का किराया भी बच जाएगा। पर खैर सुबह सुबह 3:30 बजे बस मेरे को बस स्टॉप पे उतार देती है और मैं वहाँ 3 घंटे बैठे रहता हूँ, मतलब सुबह 6 बजे तक बैठे रहता हूँ कि भाई थोड़ा सा उजाला हो जाए, थोड़ी सी दुकानें खुल जाएँ, तब हम बाहर जाएँ, अभी बाहर जाना तो थोड़ा सेफ नहीं है। तो अभी देखो इंतज़ार चल रहा है दोस्तों, तो मैं अभी बस अड्डे पर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ। मैं 6 बजे तक इंतजार करता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ, निकलने का टाइम आ गया है, और जाता हूँ तूरा की मेन मार्केट में, जहाँ पर जाके मेरे को पता चलता है कि एक्चुअली 4:30 से ही दुकानें खुली थी। वाह क्योंकि यहाँ सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है और दुकानें बहुत जल्दी खुली हुई थी। तो खैर मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं बहुत खुशी खुशी बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक सडुलपारा की बस करनी है, आप बता दीजिए। तो कहते सडुलपारा ये क्या है, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं पता होगा, मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, एक और काउंटर पूछता हूँ, उन्हें नहीं पता, एक और पूछता हूँ, उन्हें नहीं पता, किसी को उस गाँव के बारे में नहीं पता। भाई मैं उन्हें गूगल पे दिखाता हूँ, वो कहते हैं नहीं हमने तो सुना नहीं, ऐसे कम करो कम करो कम करो, उसके आसपास का कोई और आइकॉनिक लैंडमार्क दिखाओ। मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ और देखते देखते उस दुकान पे भीड़ लग जाती है लोगों की, और सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं कि यार सडुलपारा का है, सडुलपारा का है। फिर वो दुकान वाले भैया एक्चुअली एक ड्राइवर को कॉल करते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि सडुलपारा जाना है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, और ड्राइवर बोलता है हाँ उसने वो जगह देखी है, वो गाँव उसे पता है, तो वहाँ मेरे को ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ, मैं तो वैसे बस अफोर्ड करना चाहता था बट बस है ही नहीं, क्योंकि उस दिन
संडे था, एंड संडे को कोई भी यहाँ पे बसेज ऐसे फंक्शन नहीं होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया आप मेरे को ले जाओ, कितने पैसे आप लेंगे? वो कहते हैं 4,500 रुपये। मैंने कहा आपको पता है ये मेरा एक महीने का बजट है। मैं मजाक में बोलता हूँ भैया इट इज़ टू एक्सपेंसिव, सॉरी आई कैन नॉट। तो मैं अब यहाँ पे यार मेरी ना थोड़ी हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि मैं भाई बड़ी सारी ऐसे रिसर्च और बड़ी मतलब क्या बोलते हैं गुड एनर्जी से आया हूँ, और मेरे को देखना ही देखना है, हर हाल में देखना है, मगर मैं कुछ भी कर लूँ हो ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा, 50 किलोमीटर्स मैं कैसे चले जाऊँ हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के एक दिन आज यहाँ स्टे कर लेते हैं, देन कल सुबह अगेन बस के बारे में पता करेंगे तो शायद बस मिल जाए, क्योंकि मंडे को बस चलनी थी, संडे को बस नहीं चलती है। अब सुनो क्या होता है, अब मैं जाता हूँ, अब अगेन 3-4 किलोमीटर्स मैं वहाँ से टाउन से वॉक करते करते गेस्ट हाउस की तरफ जाता हूँ, जो कि मैंने इंटरनेट पर ढूंढा था, वो डिसेंट था, बजट फ्रेंडली था। मैं वहाँ पहुँचता हूँ करीब सुबह 7-7:30 मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, और वो उसका गेट बंद होता है। अब मैं कहूँ भाई क्या करूँ, बारिश भी हो रही है बाहर, तो और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि 4 किलोमीटर पहले चल लिया, थक गया है। तो मैं वहीं शेड में थोड़ा सा वहाँ बैठे रहता हूँ, 1 से 1.5 घंटा मैं वहाँ बैठता हूँ उस, क्योंकि मैं कॉल भी उन्हें, अच्छा जिसको लग रहा हूँ मैं उन्हें कॉल भी ट्राई करता हूँ बट वो उठाते नहीं है। तो मैं 1 से 1.5 घंटा वहाँ बैठता हूँ उस गेस्ट हाउस के सामने, 8:30 के करीब वो गेट खोलते हैं, मैं कहता हूँ अगर मेरे को आज का स्टे चाहिए मिल जाएगा? वो कहते हैं सब कुछ बुक्ड है। मैं कहता हूँ फक। तो भाई अब सोचो मेरी जो हिम्मत है ना वो ऐसे 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 नीचे होती जा रही है, क्योंकि इमेजिन मेरे को नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, बट यार मैं किसी को नहीं जानता, वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, और मैं तूरा जो जगह है वो इतनी भी ज़्यादा वो नहीं है, गारो हिल्स के अंदर ही आती है बट इतनी ज़्यादा टूरिस्ट फेमस नहीं है, और मैं एकदम ऐसे बारिश के सीज़न में गया था तो हार्डली कोई टूरिस्ट था वहाँ पे, बट अपेरेंटली ये गेस्ट हाउस पूरा बुक था, आई डोंट नो हाउ। तो खैर, तो अब मेरी हिम्मत जैसे जवाब देने लग जाती है, मैं सोचता हूँ चलो ठीक है भाई कुछ नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, स्टे भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ वापस बस लेता हूँ, शिलोंग चले जाता हूँ। अब मैं वापस उस गेस्ट हाउस से 3 किलोमीटर वॉक कर करके टहल टहल के जा रहा होता हूँ वो शहर देखते देखते बस स्टॉप की तरफ वापस से, और रस्ते में आउट ऑफ नोवेयर, सच में आउट ऑफ नोवेयर, मेरे सामने एक ऑटो आके रुकता है, उसे एक पैसेंजर निकलता है। मैं सोचता हूँ भाई जहाँ इतना खर्चा हो गया वहाँ थोड़ा और सही, मतलब इन ऑटो वाले से भी पूछ लेते हैं। तो मैं एक्चुअली उनसे सडोलपारा के बारे में नहीं पूछता, मैं उनसे दादिंग करके एक टाउन था उसके पास में सडोलपारा के, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर, तो वो थोड़ा फेमस था सडोलपारा क्योंकि एक गाँव है, तो मैं दादिंग के बारे में उनसे पूछता हूँ। मैं भैया के पास जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ भैया आपको दादिंग के बारे में पता है? जिस पर लिटरली वो ये जवाब देते हैं, दादा दादिंगिरी चलेंगे? हाँ जी जाना है, वहाँ से मैंने दूध लेके आया हूँ मैंने अभी। हाँ जी, अच्छा उसके पास में एक गांव है सदोलपारा, सदोलपारा करके। हाँ जी है, पता है मुझे आपको? हाँ पता है, और किसी को नहीं पता, आपको पता है सही में? जी जी पता है, चलेंगे? हाँ जी जाना है, तो बैठिए। क्या बात है, तो इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। संजय भाई है इन ऑटो वाले भैया का नाम, ये मेरे को लेके जाते हैं सडोलपारा। भाई साहब रोड इतनी ख़राब थी, जहाँ टैक्सी वाले ने मेरे को बोला था कि यहाँ पर टैक्सी नहीं चल सकती, इसलिए हम चार्जिंग यू एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर संजय भाई अपना ऑटो दौड़ाते हुए लेके जाते हैं मेरे लिए सडोलपारा विलेज। तो अगर कोई सोच रहे शॉर्ट कैसे आए तो ऐसे, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ख़राब रास्ता था। और भाई रास्ता क्या फैंटास्टिक था, इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा हरियाली, इतनी ब्यूटी, वाह। तो जी फाइनली मैं सदोलपारा विलेज के बहुत पास पहुंच चुका हूँ, और रोड ख़त्म हो गया था कच्चे रास्ते से, मेरा ऑटो वाला भैया मेरे को ले आया। अब यहाँ क्या स्किट होने लगी ऑटो, तो मैं उतर गया, वो थोड़ा आगे लेके गए हैं, आने वाला है विलेज। क्या हरियाली है, हर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सही में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है सच में। चलिए बैठिए और आगे जाना है, ये सब काजू का है केसुनट। अच्छा जी, ये जितना भी पेड़ देख रहे हैं आप, हाँ सब केसुनट है ये। पहुंच जाता हूँ सडोलपारा विलेज में, जो कि गारो ट्राइब का विलेज है। भाई मेरे ऑटो वाले भैया कमाल के थे, सही में बहुत अंदर तक ले आए, सब कुछ उन्होंने मतलब अच्छे से करवा लिया। और देखो ये मैं गांव में आ गया हूँ, मैं यही देखना चाहता था सच में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं वाटरफॉल दो देख के एक्साइटेड इतना नहीं था, बट मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को इनकी लैंग्वेज नहीं आती, मैं कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल अकेले आ गया हूँ और पहुँच रहा हूँ ऊपर, देखते हैं कैसा जाता सच में, बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इमेजिन करो मैं एकदम गांव के बीच में आके खड़ा हो गया हूँ, मैं भाई अंग्रेज नहीं मतलब गांव वाले से थोड़ा अलग लग रहा हूँ, बैग पहना हुआ है, कैमरा टांगा हुआ है, ऐसा थोड़ा मैं आ गया हूँ गांव के अंदर, और यहाँ पे मेरे को नहीं पता मेरे अंदर अनरियल ऐसी हिम्मत आ जाती है। अब मैं गाँव के अंदर घुस रहा हूँ ना, गाँव के अंदर घुसते ही एक जगह पे यहाँ पे
विलेजर्स बैठे होते हैं, गांव वाले सारे बैठे होते हैं, आपस में बातें बातें कर रहे होते हैं, और मैं जाता हूँ वहाँ पे खड़े हो जाता हूँ। मेरे को नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से उस समय बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब हिम्मत भी नहीं भाई, कुछ अलग ही हो गया था। मेरे को खुद फील हो रहा था ये मैं तो नहीं हूँ, सच में मैं जनरली ऐसा नहीं होता जैसे उस समय था। तो वहाँ पर मैं उनके पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ हिंदी में कि भैया जी मैं दिल्ली से आया हूँ और आपका विलेज मैं घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ऑथेंटिक ट्रेडिशन यहाँ का, तो मेरे को घूमना है। भाई सुनो क्या होता है, कोई रिप्लाई नहीं करता मेरा, क्योंकि वो है गारो विलेज, गारो ट्राइब है ना, तो वो उन्हें हिंदी पहली बात तो आती नहीं है, और जिन्हें आती भी है थोड़ी बहुत वो हिंदी में बात नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी गारो लैंग्वेज ही बोलना चाहते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा स्मार्ट था क्योंकि मैंने ऑटो वाले भैया से गारो में हेलो कैसे बोलते हैं मैंने पहले ही सीख लिया था, अभी मेरे को याद नहीं है, सॉरी मैं यहाँ लिख दूंगा कैसे बोलते हैं, अभी भूल गया हूँ मैं, पर मैं पूछती तो मैंने गया, मैंने उन्हें गारो में गारो के अंदर हेलो बोला या नमस्ते जो भी उनका लैंग्वेज में होता है, और मैंने अगेन वो चीज़ रिपीट की कि नहीं प्लीज़ मेरे को घूमना ही घूमना है, मैं बहुत मेहनत करके बहुत दूर से आया हूँ। भाई टू माई सरप्राइज उस भीड़ में से एक गांव वाला उठता है और उनको टूटी फूटी हिंदी आती है, और मतलब उनको टूटी फूटी हिंदी आती है, वो जो बोलते हैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये बोल रहे हैं, और जो मैं बोलता हूँ वो सोचने की कोशिश करते हैं क्या ये बोल रहा है। बट भाई वो भाई जी मेरे को पूरा का पूरा, पूरा गांव तो नहीं देखो दोस्तों, बहुत बड़ा गांव है, बट एक सेक्शन गांव का घुमाते हैं मेरे को, एक्चुअली उन हट्स के अंदर लेके जाते हैं जो मैं देखना चाहता था सच में, रेज बैम्बू हाउसेज जिसके लिए मैं इतनी दूर ये जर्नी करके आया था। मैं हट के अंदर जाता हूँ, राइस बियर देखता हूँ, वो जब भी हम जाते हैं तो गेस्ट को राइस बियर ऑफर करते हैं, तो वो मैं देखता हूँ। बट एक्चुअली हट के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था, बिल्कुल ही, तो ज़्यादा कुछ फिल्म नहीं हो पाया, बट फिर भी भाई ये बंदे देखो वो अपने फ़ोन का टॉर्च खोल देते हैं मेरे लिए और कहते हैं लो आप शूट कर लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और वो मेरे को बहुत अच्छे से पूरा गाँव घुमाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रौनक, रौनक 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 रौनक। और गांव के बारे में बहुत यूनिक यूनिक मेरे को चीज़ें पता चलती हैं, जैसे वहाँ पर पेट्रियार्की नहीं मेट्रिया, मतलब मैं सॉरी मेरी थोड़ी जी बढ़ जाती है, बट पेट्रियार्की का जो ऑपोजिट होता है बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है कि शादी के बाद लड़कियाँ घर छोड़कर नहीं जाती बल्कि लड़के घर छोड़ के आते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में घर जमाई बोलते हैं, बट वहाँ का कल्चर यही है, वहाँ पर लोग यही करते हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। और मैं सबसे ज़्यादा खाली एक्साइटेड उसके लिए था, बैम्बू हट्स के लिए, जो मैं देखना बचपन से देखना चाहता था भाई कैसे होता है, उसके अंदर कैसे रहते हैं, और वो जब देखता हूँ ना मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सच में। फिर मैं लोकल विलेजेस के साथ वहाँ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, हम लोग बातें करते हैं, उसमें से एक दो जो यूथ था उन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती थी तो हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे ऑटो वाले भैया गए हुए थे, मतलब मेरे को 2 घंटे हो गए मैं आया अभी भी भैया थे नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा और घूम लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बारी तुम्हारा जो एजेंडा था जिसके साथ तुम आए थे वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद मैं एक्चुअली सुकून से जहाँ पर मैं आया था ना, जब गांव वाले जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे थे मैं भी उनके साथ अब वहीं बैठा हूँ और बस चिल कर रहा हूँ, बैठा हूँ बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई ये है वो है कैसा है, बहुत मतलब समझ रहे टूटी फूटी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को उस समय। और उसके बाद फिर भाई मेरे को वो लोग चाय पिलाते हैं, ऑमलेट खिला देते हैं, फिर हमारे ऑटो वाले भैया आ जाते हैं, मैं सबको बाय बाय बोलता हूँ और ऑटो के अंदर बैठ के वापस मैं तूरा आ जाता हूँ, अगेन 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। ऑटो वाले भैया बहुत ही प्यारे थे, संजय भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच, इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की क्योंकि रोड एक्चुअली बहुत ख़राब थी बट फिर भी लेके गए, तो बहुत ज़्यादा सही, थैंक यू संजय भाई। एंड फिर वहाँ पे जाके अब मेरी बस्ती शिलोंग की शाम के 5-6 बजे की, तो मेरे पास कुछ 2-3 घंटा थे टाइम निकालने के लिए, तो मैं 3 घंटा अगेन जहाँ सुबह 3:30 बजे बस स्टॉप पे बैठा था वहाँ दिन में 3:30 या 4 बजे अगेन बस स्टॉप पे बैठा था और इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि संडे था, बाकी सारी की सारी दुकानें वहाँ बंद थी और मैं कुछ नहीं घूम सकता था तूरा के अंदर। तो यार मेरी आज की सुबह की शुरुआत यहीं से हुई थी, सुबह 4 से 6 मैंने इन्हीं चेयर पर बैठ के इंतज़ार किया था, और अभी तुम मानोगे नहीं 3:30, देखो 3:30 से लेके 7:30, 4 घंटे अगेन इन्हीं बेंच पे बैठ के मेरे को वेट करना है, क्योंकि मेरी 7:30 की बस है तूरा से लेके शिलोंग। हैवी लॉस, बट ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। ये वीडियो शायद थोड़ा सा ज़्यादा वो है स्टोरी टेलिंग वाला, कि मैं बैठ के बस तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इस चीज़ की फुटेज नहीं है। और दोस्तों अब जो मैंने तुम्हें ओपनिंग के अंदर वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ बताई थी वो मैं बताता हूँ। मेरे पास है एक 360 कैमरा, ये जो तुम यहाँ पर देख रहे हो Insta360 कैमरा। अब मैंने बेवकूफ़ी क्या की कि मैंने रिकॉर्ड तो वहाँ पे सब कर लिया, मैंने सोचा स्मार्ट रहेगा 360
360 कैमरा होगा तो किसी की नज़र में भी मतलब लोग ऑकवर्ड नहीं होंगे इसके आगे, और सब कुछ कैप्चर भी हो जाएगा, मैं सब डॉक्यूमेंट कर पाऊंगा, मेरे ये थॉट थी। बट भाई मेरे को पता चलता है जब मैं आता हूं तो मैंने रिकॉर्डिंग किसी बहुत ही गलत फॉर्मेट में की है जिसकी वजह से मैं फुटेज प्ले नहीं कर सकता। बेसिकली 360 टेक्निकल अगर एक्सप्लेनेशन देना, 360 में दो लेंस होते हैं, तो मैंने सिंगल लेंस से कैप्चर किया तो कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ, बस कुछ भी, मतलब मेरे को मेरा फेस शूट करना है, ऊपर छत शूट हो रही है, समझ रहे हो? तो इस तरह का फकअप हो गया था, इसलिए मैंने वो इनविजिबल पेन वाला एग्जांपल दिया था कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, मेरा शूट बहुत अच्छा किया भाई, इतने अच्छे अच्छे मैंने शॉट्स लिए थे, उनके साथ मैं घूम रहा हूँ, मैं विलेज में बैठा हूँ, मैं उस वो प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ उनके साथ, सब कुछ था उसके अंदर, पर वो नहीं है, वो है ही नहीं मेरे पास फुटेज दिखाने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद डिसअपॉइंट हो गया था जब मेरे को पता चला था, यार शेट यार। बट कोई नहीं, मेरे पास फोन्स में थोड़ी सी फोटो थी जिसमें उनके साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो यही था कि मेरे को यार नेचुरल ब्यूटी है, बहुत है, मैंने मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख बहुत सारी चीज़ें देखी है, ये भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मगर जो चीज़ को यूनिक बनाती है वो होते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर, जो मेरे को यहाँ पर सादोलपारा विलेज के अंदर जाके एक्सपीरियंस करने को मिला, गारो ट्राइब के साथ 4 से 5 घंटे बिताकर एक्सपीरियंस करने को मिला। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कॉमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।